खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। युवाओं में राजनीति को बदलने का मादा होता है और इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं कुछ ऐसे ही युवा। एनएसयूआई गोहाना के प्रधान मोहित शोरान हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ राजनीति की दशा दिशा चल रही है। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद K9 मीडिया टीम को। मोहित जी, आज युवाओं का हर कोई हुंकार भर रहा है कि युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, लेकिन क्या मानते हैं युवाओं के लिए वास्तविकता में क्या कुछ हो रहा है? जो युवा आजकल अपने हिसाब से चल रहा है वो बहुत ही अच्छा अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय होता जा रहा है और आज युवा की ज़रूरत भी है समाज के हर एक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक के अंदर, सामाजिक के अंदर, शिक्षा के सतर, हर एक सतर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका गांव आहुलाना है, आप बरोदा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये बताइए आपके खुद कांग्रेस के ही विधायक वहां पे हैं, आप भी एनएसयूआई से संबंध रखते हैं, क्या कुछ धरातल पे विकास हुआ है? देखिए, जो हमारा बरोदा हलका है वो काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है। पहले आरक्षित सीट थी, परंतु बाद में दो जो बाद में भूपिंदर सिंह हुड्डा जी आने के बाद वो एक जनरल सीट के तौर पे हो गई थी, परंतु हमारा जो स्थानीय नेता उसके तौर पर कभी नहीं मिल पाया मौका, बाहरी नेता रहे हैं और हर एक नेता ने अपना ही निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बाहरी का एक क्यों आप वो लगाते हैं? नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से जाके वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, फिर ऐसा क्या बाहरी का क्यों तमगा होता है? देखिए, वो एक काम करने का अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना तरीका होता है, परंतु क्या करते हैं बरोदा हलका के अंदर वादे कुछ बातें कुछ, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर करते, बाद में वादे बड़े बड़े, बाद में कुछ ढकोसला सिर्फ। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं आपके जो विधायक हैं वो जनता से नहीं जुड़े? नहीं जुड़े, वो आते ही नहीं, कभी दिखते ही नहीं, मौसमी नेता के तौर पर आते, वो जब ज़रूरत होती है, जब लोगों के बीच में आते, सिर्फ जब ज़रूरत होती है तब आ जाते हैं, कभी जनता के बीच में नहीं रहे, नहीं कभी। तो ये आरोप हैं जो विधायक हैं हमारे कांग्रेस के बरोदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन आप भी एनएसयूआई से हैं, वो भी कांग्रेस से हैं, तो कहीं ना कहीं अब बाहरी का अब क्यों उठाया मुद्दा आपने? देखिए, काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे हमें मौका मिले स्थानीय नेता का, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, अधिकार अपने हिसाब से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता कभी, भाई साहब राजनीति के अंदर ये कभी से ही है। क्या मानते हैं बरोदा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बरोदा विधानसभा के अंदर न तो कोई कॉलेज है, न कोई तहसील है, इतना बड़ा बरोदा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु जो स्वास्थ्य के संबंधित है या कोई बेटियाँ या पढ़ने जाती हैं बाहर जाना पड़ता है उनको, तो उनके लिए खासकर उद्योग की ज़रूरत है, किसानों को लाइट की समस्या है क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, इसलिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। तो बरोदा विधानसभा क्षेत्र में ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही कोई उच्च शिक्षण संस्थान है, तो ऐसे में अब की बार फिर आप क्या कुछ सोचा है चुनाव में? अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, मेरा परिवार काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, 40 वर्ष हो गए, जो हमारे बड़े दादाजी थे सूबेदार छोटू राम, वो काफ़ी समय से ही जो रणवीर सिंह जी थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ रहे हैं और वो भी अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा और बढ़ चढ़ कर आंदोलनों में भाग लिए, वो राजनीति के अंदर काफ़ी क्षेत्र के अंदर उनका दबदबा रहा था और मैं भी उन्हीं की नीतियों के तौर पर आज अपना हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, छात्रों के लिए या अपने समाज के लोगों के लिए हर एक जगह खड़ा होता हूँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है मेरी, और खड़ा ही रहूँगा, और मौका मिला तो अब की बार हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये तो थे एनएसयूआई के युवा नेता मोहित शोरान हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि बरोदा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी कमियां हैं और कहीं ना कहीं ये कमी खलती है कि बाहरी का जो नारा इन्होंने लगाया है ये होता है, लेकिन देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से टिकटों का वितरण होता है और किस तरह से जो है वो चुनावी बिसात जो रणनीति है राजनीति की वो आगे चलती है। लगातार हमारे ये इस तरह के साक्षात्कार जो है वो जारी हैं,
युवाओं से जानकारी लेंगे, नेताओं से जानकारी लेंगे और एक धरातल की ऐसी रिपोर्ट पेश करने का काम करेंगे कि जनता किन मुद्दों पे जरूरी है, किन मुद्दों को लाना जरूरी है और चुनाव में क्या कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए। केएनएन मीडिया के लिए मैं अरुण कुमार।